नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा। इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वर्ष में 24 एकादशी आती है, परंतु यह ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे 24 एकादशी व्रत करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। यह व्रत अनंत पुण्य को देने वाला और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पावन पवित्र कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी ही बताएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव जी की पूजा की जाती है। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में भोजन करना चाहिए। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो मैं फिर उपवास कैसे रख सकता हूँ। मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। कोई ऐसा व्रत निश्चय करके बताइए जिसका मैं यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सहजता से प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा इसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य को जिस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है वही फल इस कथा को सुनने से भी प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे सहस्त्र गौदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसका निर्जल व्रत रखना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी व्रत का आरंभ कर दिया और वर्ष में केवल यही व्रत भीमसेन ने रखा, इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी पड़ा। इस व्रत को करने से भीमसेन को पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय
जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय, हर हर महादेव।